के साथ में बैठ के गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मुझे लग रहा है शायद मैं भी तीसरी सेलिब्रिटी हूँ। लोग मुझे पहचानने लगे हैं कि मैं दो सेलिब्रिटीज़ के बीच में एक चीफ गेस्ट की तरह आई हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। पूजा ने जो आज़मगढ़ में वैसे अब तो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, पहले एक कंजर्वेटिव सोच थी। जिस वक्त मैं आज़मगढ़ में आई उस वक्त 91 में एक कंजर्वेटिव सोच थी, लड़कियां जल्दी से बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ाई लिखाई का माहौल भी बहुत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लड़कियों को माहौल मिल रहा है और बहुत से संस्थान हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पूजा ने जो एक स्टेप और आगे निकल के आज़मगढ़ से बाहर निकल के जो एक रास्ता दिखाया कि लड़कियां आज़मगढ़ छोटे शहर की होती हुई भी एक बड़ा अचीवमेंट ले सकती हैं। हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले ग्लोबल एशिया कंपटीशन में हम लोग विनर रहे हैं। मुझे मिसेज इंडिया आइकॉन का टाइटल मिला है, उसके साथ मुझे 3 टाइटल और मिले हैं। बेस्ट एशिया पॉपुलर का एक अवार्ड मिला है, बेस्ट एशिया टैलेंट का मिला है और मिसेज आजमगढ़ का अवार्ड पहले से था मेरे पास, वहाँ पे भी मिला है। उसी के उपलक्ष में आज ये हुनर वालों की तरफ से हमारा सम्मान समारोह रखा गया था और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटे से शहर से होते हुए, बट छोटा सा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे शहर में हैं। हमारे शहर में मैं क्या ही कहूँ, डॉक्टर अनुप कुमार यादव जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर विपिन यादव जैसी गायनी हैं जो बनारस के उषा गुप्ता तक के रेफर्ड पेशेंट का भी अगर इलाज करती हैं तो वो सक्सेस हो जाता है। मैं ये बात इसलिए नहीं कहूँगी कि ये अतिशयोक्ति है, मैंने सामने से देखा इसलिए मैं कह रही हूँ। तो छोटी सिटी नहीं है, बस इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सी प्रतिभाएं हैं। तो हम लोगों के अंदर भी जो प्रतिभा थी, एक महिला होते घर गृहस्थी और बिजनेस देखते हुए, हम लोगों ने भी चाहा कि हम लोग भी इसको क्रैक करेंगे, इस प्रतियोगिता को। और हम लोग वहां गए और 25 जगह से महिलाएं आई थी, उनके साथ पूरे देश से, गुजरात से, झारखंड से, इलाहाबाद से, नोएडा से, और सबको क्रैक करते हुए हम लोगों ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। ये स्टेज और ये जो आज हम लोग को सम्मान मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा श्रेय ग्लैमर प्रोडक्शन को जाता है, उमंग को जाता है, शहनवाज सर को जाता है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम लोग वहाँ तक नहीं जाना चाहूँगी। मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मैं 30 जून को हमारे बनारस में ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि मैं फर्स्ट रनर अप मिसेस एशिया का अवार्ड में जीती हुई हूँ। और यहाँ पे मुझे आजमगढ़ में बुलाया गया है, हुनर संस्थान के द्वारा मुझे ये सम्मानित किया जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि मैं सारे यहाँ आजमगढ़ में मैं पहली बार आई हूँ और इन लोगों ने मुझे बहुत सम्मानित किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हुनर संस्थान को और पूजा मैम को जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ सिवाय इनके। हम लोग बहुत ज़्यादा दिन हमारी दोस्ती नहीं रही है, बस 2-3 दिन में हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हुई है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब आज़मगढ़ जनपद के लिए ये बड़े सम्मान का विषय था, हर्ष का विषय था कि आज़मगढ़ की एक महिला मिसेज एशिया 2024 चुनी गई, तो ये उनके लिए, उनका संवर्धन करने के लिए और जनपद की सभी महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे आने के लिए कि आप भी जीवन में हर मंजिल को पा सकती हो, आप आगे बढ़ो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल कर आप ही आगे जा सकती हो। तो सबका मोरल सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके माध्यम से मिसेज एशिया पूजा सिंह जी और रनर अप रही पूनम सिंह जी, दोनों लोगों को आज़मगढ़ में सम्मानित किया गया। सम्मान करने का असली कारण सिर्फ ये रहा कि बच्चियां हमारी, हमारी बेटियां और हमारी घर की महिलाएं भी अपने आप को आने वाले समय से जोड़ते हुए कदम से कदम मिला के चल सकें।